दोस्तों अपनी आंखें खोल के इस चैनल को देखो जिसका नाम है पीहू राइम्स करके। गाइस इस बंदे ने केवल 13 वीडियोस अपलोड करी हैं, कितनी? मात्र 13। और यहां पर इस बंदे के सब्सक्राइबर्स देखो 2,10,000। इस बंदे ने 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, कौन सी? एक कार्टून की वीडियो है जिसके पीछे म्यूजिक लगा दिया है, और इस पर व्यूज देखो 18 मिलियन व्यूज। उसके बाद एक और अपलोड करी, 2.6 मिलियन व्यूज, 2.9 मिलियन व्यूज, 141 के, और इस वीडियो पर देखो 29 मिलियन व्यूज आ चुके हैं केवल 1 महीने के अंदर अंदर, और मात्र 13 वीडियोस अपलोड करी हैं, और बंदे के सब्सक्राइबर देखो भाई 2,10,000। मतलब बिल्कुल तबाही काट रखी है इस बंदे ने। और ये चैनल कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये चैनल बिल्कुल अभी नया है। 14 मई 2022 को ये क्रिएट किया गया है, और इसके टोटल 13 वीडियोस पर जो व्यूज आए हैं ना वो 54 मिलियन से भी ज्यादा के हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पर डे वाइज के मिलियंस में व्यूज आते हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और ये चैनल मोनेटाइज है, और इसकी खासियत पता है क्या है कि इस बंदे ने खुद से एक भी वीडियो क्रिएट नहीं करी है, सारी की सारी वीडियोस कॉपी एंड पेस्ट वाली हैं। कैसे करें कॉपी पेस्ट करी है अभी आपको दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखना बिकॉज ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए। तो भाई देखो वो दिन चले गए जहां पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता था, अभी देखो स्मार्ट वर्क करोगे ना तो भाई हार्ड वर्क में जितना टाइम लगता है ना उससे चुटकियों में कम समय लगेगा, स्मार्ट वर्क करोगे और भाई बहुत पैसे छापोगे। ये बंदा अभी जो है इसका चैनल आई थिंक अभी लगभग पिछले ही महीने मोनेटाइज हुआ है, और इसकी मंथली अर्निंग देखो भाई पहले ही महीने इसने करीब लाखों रुपए, 4-5 लाख रुपए आराम से निकाले हैं। ये देखो $13,000 से लेकर $218,000 के आसपास ही अर्निंग कर रहा है। चलो मैं मान लेता हूं कि ये $13,000 भी नहीं, एवरेज मानते हैं कि भाई ये $10,000 भी महीने का अर्न कर रहा है ना, तो आप लोग खुद देखो $10,000 मतलब करीब 7-8 लाख रुपीस हर महीने। यार कोई मामूली बात है क्या 7-8 लाख रुपए अर्न करना? भाई लोग 50-50 लाख रुपए लगाते हैं बिजनेस में तब वो कमा पाते हैं महीने के 7-8 लाख। यहाँ तो ये बंदा मतलब कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इतना अर्न कर रहा है। सो ये कैसे अर्न कर रहा है अभी आपको बताता हूँ, तो पूरी वीडियो को समझना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोगों के लिए जो भी यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं। हम स्मार्ट वर्क भी यूज करेंगे, हम हार्ड वर्क भी करेंगे, दोनों करेंगे, एंड उसके बाद जो रिजल्ट आएगा भाई वो अलग ही लेवल का होगा। सो प्लीज यार जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको यूजफुल नॉलेज मिलेगी एंड मिलती रहेगी ठीक है। और गाइस इस वीडियो पर 200 लाइक्स का एम रखता हूँ, अब तो लगभग हर वीडियो पर आपको एम दे ही रहा हूँ, तो प्लीज यार करवा दिया करो, कभी कभी गरीब की दुआ लगेगी। अब चलते हैं सिंपली वीडियो की तरफ, अभी मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ कि भाई ये बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ये इसने एक वीडियो अपलोड करी है 8 दिन पहले, मैं थोड़ा सुना देता हूँ आपको पहले, ठीक है सुनो। ये जो वीडियो है इसमें इन्होंने एक सॉन्ग यूज किया है, नन्ना मुन्ना राय हूं देश का सिपाही हूं, ठीक है। ये वीडियो अपलोड करिए 13 अगस्त को, और ये वीडियो देखो मैं आपको थोड़ा इस तरीके दिखा रहा हूं ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए, ठीक है। अब मैं यूट्यूब पर जाकर के सर्च करूंगा नन्ना मुन्ना राही हूं, ठीक है। अब आप लोग यहां पर खुद देखना, यही सेम वीडियो उठा करके इस बंदे ने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, बस थोड़ा सा कट पिट करा है। उसके बाद देखो यहां पर ये बंदा एक और है जो ऑफिशियल चैनल पर वीडियो अपलोड करी है, ये देखो मतलब इस बंदे ने क्या करा है अब आपको दिखाता हूं। मान लो कि ये एक मतलब इस बंदे ने जो वीडियो यहां से ली है वो इसने क्या करा है, यहां से वीडियो को डाउनलोड करा, यहां से करा ये वाली वीडियो और एक वाली भी डाउनलोड करी, ठीक है। इन तीनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद जो इसके पीछे जो म्यूजिक यूज हो रहा है उसको लगा दिया एंड अपलोड कर दिया। ये जो म्यूजिक है इस पर कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर आप लोग कोई चैनल होते हैं जो क्लेम दे देते हैं लेकिन स्ट्राइक कोई भी नहीं देता, ठीक है, तो इतनी ज्यादा इशू की बात है नहीं। सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यही सर्च करना है, हमें पता है क्या करना है, ये बंदा जो बेसिकली काम कर रहा है ये जैसे लोरी होती है, जैसे किड्स की जो लोरी होती हैं या सॉन्ग होते हैं, जैसे कि ये देखो लाला जी ने केला खाया, ठीक है, बारिश बारिश जाओ ना, बेसिकली जो हम पोएम पढ़ते हैं उनके इन्होंने सॉन्ग बना दिए हैं कुछ चैनल वालों ने, और यही सॉन्ग रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, बस थोड़े चेंजेस करने होते हैं। तो हमें क्या करना है समझते हैं। अब जैसे कि ये वाली वीडियो है, मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा बिना किसी कॉपीराइट क्लेम के, ठीक है, कैसे करेंगे आपको दिखाता हूं। ये वीडियो का लिंक कॉपी किया, आपको गूगल पर जाना, यहाँ पर आप लोग लिखोगे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, अभी जो बता रहा हूँ उसको करते रहना, यहां से आपको पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। लिंक पेस्ट करेंगे,
वीडियो आ चुकी है, डाउनलोड पर क्लिक करते हैं एंड इस वीडियो को हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, वीडियो भी डाउनलोड हो रही है। सो इस तरीके से आप लोग क्या करना है, आपको और भी यहाँ पर देख लेना है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने और क्या यूज करा है, मैं देख लेता हूँ, लकड़ी की काठी। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं लकड़ी की काठी। ठीक है, काठी पे घोड़ा, ये मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर आप लोग इस वाले वीडियो को देखना जो इन्होंने वीडियो यूज करी है, वो कहीं ना यही कहीं ना कहीं से यूज करी है। देखो यही वीडियो तो यूज करी है, ये देखो बस थंबनेल चेंज कर दिया, बाकी सेम यही वीडियोस यूज करी है। और ये चैनल मोनेटाइज है यार, ये चैनल मोनेटाइज है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई। तो मतलब कुछ भी यार, समझ रहे हो, तो भाई हम क्यों नहीं करें यार। मतलब खाली 13 वीडियोस अपलोड करनी है, 2,10,000 सब्सक्राइबर्स, और हर दिन पता नहीं कितने बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। अभी रिफ्रेश करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ ही गए होंगे, देखते हैं। अभी फिलहाल नहीं बढ़े लेकिन बढ़ते रहते हैं भाई। ठीक है, तो अभी जो हमने डाउनलोड है वो कर ली है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ओपन करेंगे वीडियो को। यहाँ पर कोई भी एडिटर ओपन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आप काइन मास्टर का यूज कर सकते हो, किसी का भी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जहां से वीडियो शुरू हो रही है वहां से हम थोड़ी वीडियो ले लेंगे, और जो फर्स्ट है वहां से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। इसको मैं करूंगा थोड़ा सा क्रॉप, ताकि ये जो लोगो है इसका ये हमें ना दिखे। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब देखो ये एक ट्रिनी का लोगो आ रहा है, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, इतना हम रिमूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमने इस तरह कर दिया, कहीं पर लोगो नहीं दिख रहा है। अब आपका जो चैनल का लोगो है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जो भी एडिटर आप लोग यूज करते हो उसको ओपन करो, आपका जो भी लोगो है उसको इस तरीके से, मेरा लोगो यहाँ पर तो फिलहाल नहीं है, जैसे मान लो कि ये मेरा एक लोगो है, इसको मैंने यहाँ पर लिया और इसको हम ला करके ऐसा कर देंगे, ताकि लोगो लगाने से ये होगा ताकि कोई अगला बंदा आपकी इस वीडियो को कॉपी ना कर सके। ठीक है, ये लोगो देखो हमने यहाँ पर लगा दिया, आप भी ऐसे लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका जो म्यूजिक है वो यहाँ से हम कर लेंगे, हटा लेंगे, और ये जो वीडियो है इसमें जो जो पार्ट आपको सही लग रहे हैं वो रखो, जो जो पार्ट सही लग रहे हैं उनको हटा दो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से इस पार्ट को नहीं लेना, मैं इतना कट कर देता हूँ और इतना पार्ट रखूंगा। ठीक है, ऐसे बीच में से मैं इतना पार्ट कट कर दूंगा, इतना रखूंगा बस ओनली। ठीक है, बाकी इसमें हम थोड़ा बहुत कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि इसमें मुझे थोड़ा ऑटो कॉन्ट्रास्ट चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे सैचुरेशन भी चाहिए, मैजिक एनहांस, मैं मैनुअल एडजस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग खुद देखना, ये देखो इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और ये सब चीज आपको काइन मास्टर वगैरह में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं इसको हम इस तरीके से, ये हमने कर लिया, हमारी वीडियो रेडी। अब हमें क्या करना है, जो म्यूजिक यूज हुआ है उस म्यूजिक को हम डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैंने अभी कौन सा लिया था, ये जो म्यूजिक लिया था इसी को हम MP3 में कर लेते हैं। शो मोर पर क्लिक कर लेता हूं, यहां पर MP3 है क्या, एक सेकेंड, इस URL को मैं कॉपी करता हूं, हम जाते हैं गूगल पर, यहां पर मैं लिखता हूं YouTube MP3 डाउनलोडर। ठीक है, हमें पूरा सॉन्ग चाहिए, क्योंकि सॉन्ग तो हम कट पीट करके यूज कर नहीं सकते, तो हमें सॉन्ग चाहिए पूरा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये सर्च करना है, यहाँ पर लिंक पेस्ट करते हैं, ये देखो MP3 आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं एंड चुटकियों में जो MP3 सॉन्ग होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वापस चले यहां पर, और हमने जो सॉन्ग डाउनलोड किया था उसको हम इस तरीके से यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सॉन्ग, और थोड़ा सुन लेते हैं शुरू से। यहां से मैं इसको थोड़ा कट कर लेता हूं और इतना रख लूंगा। ठीक है, और इसको मैं यहां से इतना ही रखूंगा, ज्यादा हमें नपुर नहीं करने। और यहां पर हम लाके इसके वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट पर क्लिक करोगे यहां से आप लोग ऑडियो इफेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर वेरी लो पिच पर क्लिक करूं तो कैसी आवाज आएगी, ये आवाज ठीक है। ठीक है, हमें वॉइस भी थोड़ी चेंज कर देनी, जिससे कोई भी इशू ना आए हमारे कॉपीराइट वगैरह क्लेम में। अब देखो हमारी गाइस पूरी वीडियो रेडी हो चुकी है। ठीक है, हमने लोगो पूरे पे लगा दिया, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड वीडियो हमारी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर कौन सा नन्ना मुन्ना राही। ठीक है, अभी वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, होने देते हैं, तब तक हम अगला काम कर लेते हैं। अब गाइस तो को यहाँ पर आपने क्या करा, आपने इस तरीके से वीडियो बनाई। अब गाइस ज्यादा नहीं, इस बंदे ने 13 वीडियोस अपलोड करी हैं, आप यहाँ पर 15 अपलोड कर दो, एक महीने में 15 अपलोड करके देखो। एंड डेफिनेटली अगर आपने सही तरीके से एडिटिंग करी है, सही तरीके से सॉन्ग यूज करा है, थंबनेल अच्छे तरीके से लगाया है, तो पक्का आपकी वीडियो ही वायरल जाएगी। बिकॉज यहाँ पर आप खुद देखो यार, हर अगली वीडियो पर इस बंदे के पास व्यूज है, अच्छे खासे व्यूज है, काफी बढ़िया व्यूज है, सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे लेवल के हैं, और ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने कहीं प्रमोट करी होंगी, ये ऑटोमेटिकली व्यूज आ रहे हैं, बिकॉज किड्स की संख्या बढ़ती जा रही है भाई,
और किड्स ज्यादा देखना पसंद करते हैं। सो अभी एक हमने कर लिया, अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम ओपन कर लेते हैं अपना चैनल, ठीक है, जिस पर हमें वीडियो अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है अब उस चीज को आपको समझना है, क्योंकि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी वीडियो को रैंक कराने में। सो इस बात को याद रखना, क्योंकि केवल वीडियो बनाने से काम नहीं चलता। तो अभी मैं यहां पर एक आपको अपलोड करके दिखाता हूं, ठीक है। अपलोड पर हमने क्लिक करा, कैसे अपलोड करते हैं उसको समझ लेना ध्यान से। आपको कोई भी एक नया चैनल क्रिएट कर लो, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो तो फिलहाल अभी एक्सपोर्ट हो रही है। मैं एग्जांपल के लिए इसी वीडियो को ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी इन्होंने टाइटल यूज करे हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना लिखता हूँ, अभी देखो जैसे कि अभी आया था इंडिपेंडेंस डे, अभी 26 जनवरी आएगा, तो आपको बस नाम चेंज करना पड़ेगा, बाकी वीडियो सेम रखना। नन्ना मुन्ना राही हूं, ठीक है। अब ये जो आपने इसमें लिखा है यही आपको हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूं हिंदी में भी, गूगल इनपुट टूल्स हिंदी, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहां से बेसिकली आप लिख सकते हो हिंदी में, नन्ना मुन्ना राही हूं, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख दिया, इसको कॉपी करते हैं, एक सेकंड, इसको यहां से कट करा, यहां ला करके पेस्ट किया। उसके बाद ये हमारा कौन सा है, इंडिपेंडेंस का है या 26 जनवरी का है, तो वो आप लोग यहां पर लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, देख लेते हैं कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से यहां पर लिखा है। मैं लिख लेता हूं नन्ना मुन्ना राही हूं, नन्ना मुन्ना राही हूं, ये हमने यहां पर लिखा। और देख लेते हैं भाई पॉपुलर इंडियन पैट्रियोटिक हिंदी सॉन्ग, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई, जितना हम अच्छा लिख सकते हैं भाई उतना हम अच्छा लिखेंगे गाइस। अभी आपको टाइटल वगैरह कैसे, वो टेक्स्ट कैसे लगा के लगाने वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा, कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। और यही टाइटल कॉपी करना है और यहां पर ला करके पेस्ट करना है। अब आपको जाना है एक वेबसाइट में जिसका नाम है rapidtext.io/generator। ये क्या करेगा कि आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा, हम पूरा का पूरा यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये देखो पूरा इसने हमें टेक्स्ट जनरेट कर दे दिया। हमें आना नीचे शो मोर पर क्लिक करते हैं और यहां पर उस पूरे टेक्स्ट को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब एक काम हमें और करना है गाइस, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है यहां पे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। हमें गाइस देखो एक काम और करना है, ये तो हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसके थ्रू तो आपको अर्निंग होगी होगी, लेकिन इन वीडियोस पर व्यूज बहुत अच्छे जाते हैं। ये देखो ये व्यूज, अगर इन्हीं व्यूज का फायदा हम उठा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या करा, हमने यहाँ पर किड्स ट्वाइस यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है। अब बच्चों को यार देखो ये सारी चीजें पसंद होती हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप जैसे अमेजोन अफिलिएट में अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, इससे क्या होगा कि आप उनके अफिलिएट बन के जब भी आप यहां पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करवाते हो, जैसे कि मान लो कि ये प्रोडक्ट है 1389 रुपीज का, 79 यहां, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करवाते हो ना, तो यहां पर अमेजोन आपको कमीशन देता है। अब जैसे कि देख लो ये जो बंदा है इसने डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं दिया है, तो मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि भाई लिंक दो अपने डिस्क्रिप्शन में, अफिलिएट लिंक। अब इसके पास 18 मिलियन व्यूज आए हैं। अगर आप एक छोटी सी समझ कर समझना, मैं आप ओपन करता हूं कैलकुलेटर, इसके पास 18 मिलियन व्यूज आए, मान लो कि इसमें से 10,000 बंदे ऐसे थे जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक किया, और 10,000 बंदों में से 1,000 लोगों ने भी केवल इस एक प्रोडक्ट को परचेस किया। मान लो इस प्रोडक्ट को किसी बंदे ने परचेस किया और इस पर हमें कमीशन कितना मिला है, 50 रुपए का, तो हमारी अर्निंग कितनी हुई है, 50,000। मतलब केवल 1,000 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस करा, 50 रुपीज लेकर के मैं चल रहा हूं, तो अर्निंग कितनी हुई है, 50,000। और व्यूज कितने आए हैं भाई, 18 मिलियन व्यूज आए हैं, तो सोचो भाई कितने लोग जाते डिस्क्रिप्शन में, कितने लोग क्लिक करते। तो भाई इतनी अर्निंग आप लोग यूट्यूब से नहीं कर सकते जितना आप अफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो। तो इस चीज को मेरे भाई लोग समझो और इस पर अप्लाई करो, बहुत अच्छा टॉपिक है, डेफिनेटली काफी ग्रो आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको बस अपने अफिलिएट के लिंक देने हैं और कुछ नहीं करना, वीडियो आपको बस इस तरीके से अपलोड कर देनी है। देखो कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है अभी तक, आप सभी देख सकते हैं हमारी चेकिंग चल रही है, कोई क्लेम वगैरह नहीं आता। अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग करोगे सही तरीके से, तो जो क्लेम आने वाला भी होगा ना फ्यूचर में, वो भी नहीं आएगा, ठीक है।
और ये चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज भी होते हैं, कोई रिव्यूज कंटेंट नहीं आता। अगर सही तरीके से एडिटिंग करोगे, कलर करेक्शन करोगे, जो सॉन्ग है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बंदा चैनल मोनेटाइज करके बैठा है, और लोगो जरूर लगाना अपनी हर वीडियो में, ठीक है गाइस। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे बताना। और थंबनेल कैसे करके बनाते हैं उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपने वीडियो यूज करी है उसी में का बस एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है और बस लिख देना है नन्ना मुन्ना राही हूँ। कैसे आज कुछ दिखाई देता हूँ यार, टेंशन मत लो, दिखाई देता हूँ। canva.com में हम लोग गए, ठीक है, यहाँ पर हम आए, क्रिएटर डिजाइन पर हमने क्लिक करा, यूट्यूब थंबनेल पर हमने इस तरीके से क्लिक करा। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये है नन्ना मुन्ना राही हूँ, मैं यहाँ पर गूगल से ले लेता हूँ, ठीक है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये देखो, इमेजेस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखो ये इमेज आ चुकी है पूरी इस तरीके से। चलो यहाँ से नहीं लेते हैं हम यहाँ पर कोई सी इसी वीडियो से ले लूँगा मैं यहाँ से, जैसे कि ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ पहले, ठीक है। ये जैसे हमने इसको पूरा कर लिया, अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन से लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्नाइपिंग टूल कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। मैं इसको इतना चूज कर लेता हूँ और इतना मैं यहाँ से इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। आपको भी सेम ऐसे ही कर लेना जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और इसको हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया, चलते हैं वापस canva.com में, यहाँ पर ला करके उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, जहाँ डेस्कटॉप पे गया होगा वो डेफिनेटली, ये रहा, ठीक है। इसको हमने इसको सेलेक्ट किया, आपको भी सेम ऐसा ही करना है, canva.com में आना है। ये तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ यहाँ, तो इसके बारे में बार बार मत पूछा करो। उसके बाद चलते हैं वापस, यहाँ से इसको हमने कॉपी करा, यहाँ पर हम वापस आए, हमने टेक्स्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर ऐड हेडिंग पर क्लिक करके उसको हमने पेस्ट कर दिया, और इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। ये देखो थंबनेल पूरा रेडी, इसमें कुछ कलर वगैरह चेंज करना है। देखो मैं तो आपको जस्ट ऐसे नॉर्मली सिखा रहा हूँ, आप अपना पूरा टाइम लेकर के अच्छी तरीके से क्रिएट करना सारी चीजों को, वीडियो से लेकर थंबनेल तक, थंबनेल रेडी डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो में जाकर के लगा दो और पब्लिश कर दो, ठीक है गाइस। सो ये आपको फॉलो करना है, एंड आई होप सो कि आपको डेफिनेटली इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल से सीखो यार, 13 वीडियोस अपलोड करिए और सब्सक्राइबर देखो और अर्निंग भी खूब पेल के ये बंदा कर रहा है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।